Ho'oponopono prayer. It's a beautiful prayer and a very very powerful prayer. करोड़ों लोगों के लाइफ में इस प्रेयर को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाने से बहुत ज़्यादा चेंज आया है. रिलेशनशिप्स पे बहुत अच्छे से वर्क करती है. अगर आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ या किसी भी तरीके से किसी के साथ भी रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं है, इनफैक्ट अगर आपकी हेल्थ के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी मनी के साथ आपका रिलेशनशिप, या फिर किसी दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, या फिर माता पिता के साथ, या अपने खुद के हस्बैंड या वाइफ के साथ अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो इस प्रेयर को जरूर अपनी लाइफ का आप पार्ट बनाइए. कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ चार लाइनों की ये प्रेयर है, बट मिरेकल्स क्रिएट करती है ये लाइफ के अंदर. इसको दिल से करिए, विजुअलाइज करके करिए, और अपने भाव, अपने इमोशंस डालकर अगर करी जाए तो इट्स अ मिरेकल प्रेयर. ये हवाइन प्रेयर है, बट अब दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रेयर को यूज किया जा रहा है. हमारे भारत में भी इस प्रेयर को यूज किया जाता है. तो क्या है ये प्रेयर? छोटी सी चार लाइनों की प्रेयर है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. जिस चीज के साथ या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, उसको अपने सामने विजुअलाइज करके इस प्रेयर को दोहराइए, बार बार दोहराइए. अगर दिन में 10 मिनट भी आप इस प्रेयर को भाव के साथ, इमोशंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ईगो फैक्टर आपको हटाना पड़ेगा. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों माफी मांगे, हमने तो कोई भी गलती नहीं करी. बट आपको बताया जाए कि ये एक कार्मिक फैक्टर्स को रिजॉल्व करने की प्रेयर है. आपके कर्मास को रिजॉल्व करती है ये प्रेयर. तो जैसे ही आपके कर्मास रिलीज होते हैं, वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी उस पर्सन के साथ या उस चीज के साथ बेहतरीन होना शुरू हो जाता है. जरूर अपनाइए, एंड जो भी लोग इसको अपनाएंगे, अपने फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट्स करिए इस वीडियो के नीचे, एंड स्टार्ट करिए और कमेंट करिए कि आपने आज से इसको स्टार्ट कर दिया है. Do follow all my videos, do like them, and I hope you are liking all the videos. Thank you so much. Om Buddha.